जो नेक्स्ट आपका रूल है, एक्चुअली रूल के अंदर रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो दिया है, इसके बाद ज़्यादा एनसीईआरटी ने नहीं किए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो क्या रूल है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो एनसीईआरटी ने एक और चीज़ बताई है, जैसे एक दो तीन है ना, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट होता है एक दो तीन अगर उधर से नंबरिंग करते हो, इस तरफ से नंबरिंग करते हो तो एक दो तीन नंबर इसको मिलता है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो तीन नंबर इसको मिलता है, मतलब दोनों केस में तीन तीन नंबर मिल रहा है। तो आप एनसीईआरटी ने रूल बताया था कि अगर ऐसा होता है तो हम किसके हिसाब से नंबरिंग कर लें, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग कर लें। किसके हिसाब से? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जिसका नंबर पहले आ रहा है उसके हिसाब से नंबरिंग कर लें। तो आपकी नंबरिंग हो जाएगी एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्योंकि इधर से तीन नंबर वाले को इथाइल मिल रहा है, दो कार्बन मतलब क्या होता है इथाइल, ठीक है, तीन नंबर पे क्या सेट हो जाता है इथाइल। अब इसको अपन करके देखते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से करके देखते हैं। एक सही अपन एक एक दो तीन चार पाँच छ और सात, ये नंबरिंग की एक, ठीक है। इस नंबरिंग के हिसाब से आपका सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 3.5.5, इसे कॉमा लगा के लिख दो आप। सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 3.5.5। अब मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, हम नंबरिंग किधर से करते हैं, हम लोग इस तरफ से करते हैं। इसको नंबर वन दिया, इसको टू दिया, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, इसको सेवन, तो मेरे नंबर क्या मिल रहे हैं, 3.3.5, ठीक है। इनको प्लस करो कितना आ रहा है सबको जोड़ने पर, 10 और 3 13, 3 और 3 5 और 3 8 और 3 कितना हो गया। अब आप कहोगे कि सर लोएस्ट सम के हिसाब से चलें, ठीक है, बट लोएस्ट सम अपने को इसमें लगाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोएस्ट सम से भी बड़ा रूल होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और हमेशा एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगाओ आप, हमेशा ही क्या लगाओ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक नंबर एक ऐसे किए और एक नंबर एक ऐसे किया, इसके हिसाब से ये सब्स्टिट्यूएंट्स आए, ये सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट है, एक 3.5.5 और 3.3.5, 3 और 3 दोनों में कौन पहले, सेम ही है, तो इनमें तो मैच क्या हो गया, टाई हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं। 5 और 3 में पहले कौन है, तीन पहले मतलब आपको एसी नंबरिंग अब नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका लोएस्ट सम वाला रूल वो भी फेल हो रहा है, सॉरी फेल नहीं हो रहा है, लोएस्ट सम तो आ रहा है कि आपका जो आ रहा है यहाँ पे कितना मिल रहा है, कम ही मिल रहा है कम वाले को। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप कब लगा दो, आपको लोएस्ट सम चेक नहीं करना है, कोई सम नहीं करना है, तो हर बार क्या करो आप चेक करो इसके सब्स्टिट्यूएंट, और जहाँ पर पहला नंबर विजेता हो जाए छोटा नंबर उसी से हिसाब से नंबरिंग करो। मतलब हमारी जो नीचे वाले नंबरिंग है वो क्या होगी, करेक्ट होगी, नीचे वाले नंबरिंग के हिसाब से 3 को क्या मिल रहा है मिथाइल, और 5 को क्या मिल रहा है इथाइल, इसका नाम क्या पड़ जाएगा 5-ethyl, क्योंकि हम नंबरिंग हमेशा कैसे लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। आपकी आदत होगी कि आप 3.3 लिखोगे, है ना, कितना भी सिखाओ आप लिखोगे, आपका दिल बोलेगा ऐसा लिख रहा है और वही गलत लिख के आओगे, 3.3 पहले क्या होगा 5-ethyl, क्योंकि अल्फाबेटिकल ही पहले आता है, और फिर नाम क्या होगा 3.3-3 F10, ठीक है, HTBEAN, इसका प्रॉपर नेम होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, तो जब भी इसकी बात आएगी आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इधर के और उधर से दोनों तरफ से आप नंबरिंग करके देख लेना, साइकिल में भी ये चीज़ अप्लीकेबल होगी जो हम साइकिल वर्क के नाम शुरू कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इज ऑलवेज बेटर देन द लोएस्ट सम रूल, कुछ क्वेश्चंस में लोएस्ट सम रूल हर बार
सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, लोएस्ट सम रूल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसका नेम क्या हो गया, 5-methyl-3,3-dimethyl, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, और शायद ये आप कुछ भी आ सकता है आपको। अब साइक्लोअल्केन्स की बात करें, साइक्लोअल्केन्स में क्या होगा, साइकिल बनी होगी आपको, साइकिल मतलब क्लोज हो गए आपके सर, ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ये क्या मिलेंगे आपको, क्लोज वाले होंगे, मतलब इसका साइकिल मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से चेन से अटैच होता है, मतलब मान लो ये वाले स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या होता है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, पर इतना बड़ा बॉन्डिंग बनता है ये केवल क्या हो जाता है, चेन बन जाती है, मतलब ये एक सर्कल बन जाता है, तो इसको अगर हम रस्सी लगाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसमें अगला कार्बन पिछले कार्बन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये इस टाइप से आपके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर, उसमें आप प्रीफिक्स लगाते हो साइक्लो, क्या लगाते हो, प्रीफिक्स क्या लगाओगे आप, साइक्लो। तो जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर है, हम इसके सिंपल की बात करेंगे और इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह लगा के बात करेंगे, कभी कभी ये खुद सब्स्टिट्यूएंट होगा, कभी कभी लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर भाई अपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो 30 लाख से कंपाउंड के नाम लिखते हैं, 30 लाख में से अपन ने 1 लाख कंपाउंड के नाम लिख लिए, वही अपने लिए बहुत बड़ी बात है, 1 लाख भी नहीं हम कर पाएंगे कभी जीवन में, क्योंकि इतने सारे नेम्स होते हैं, इतने सारे नॉमेनक्लेचर होते हैं कि हम वहाँ तक टच नहीं कर पाते, हर कदम कदम पर नए नेम है, पर हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा अपना बाउंड्री को क्या करना, लिमिटेड करना है, तो मोटी मोटी किताबें हैं, ठीक है, जिसमें कि कभी ना एंड होने वाली चीज़ें हैं, और सब कुछ चीज़ें सब बच्चे के लिए पढ़ना जरूरी, मैंने सोचा कि तुमने सोचा मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला, सिलेक्टेड पढ़ो वह अच्छा पढ़ो, ठीक है, हर कोई चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है वो ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है ये आपको बता ही चुका हूँ, 1-2-3, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, इसका नाम क्या हो गया, 3 मतलब प्रॉप, इसका नाम क्या हो गया, प्रीफिक्स क्या लगाना है, साइक्लो, तो CYCl को साइक्लो प्रोपेन, क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन है, इन लोग 1-2-3-4-5-6 कार्बन है, नाम हो गया CYCl साइक्लो हेक्सेन, क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, ये स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं है, प्रोपेन भी पी स्मॉल है, हेक्सेन भी एच स्मॉल है, इसका नाम क्या हो गया, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, अभी इसमें तो नंबरिंग का कोई लोचा नहीं है, 4 है, मतलब क्या नाम हो गया इसका, साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, 1-2-3-4-5, इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेन, ठीक है, तो ये तो सिंपल वाले नेम्स हो गए, दिस आर द सिंपल नेम्स। अब क्या है कि अच्छा इनमें डबल बॉन्ड भी मिलेंगे, अभी तो चेन वाले डबल बॉन्ड भी करना है, ठीक है, चेन में भी डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है, अभी हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं सारे, और फिर कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं उसमें कुछ डिफिकल्ट नेम्स भी है, तो इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ पे एक रूल याद रखना है, इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम मुझे देना है, एक इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देना है, पहले एक सिंपल का नाम देखो, एक सिंपल सा नाम देखो, मान लो यहाँ पे क्या लगा है, ठीक है, अब ये रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे मिथाइल ग्रुप लगा है, रिंग के साथ मिथाइल लगाया कि मिथाइल के साथ रिंग लगाया, रिंग के साथ अगर मिथाइल लगाया तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, और मिथाइल के साथ रिंग लगाया तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, इसका रूल ये होता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में नहीं, फंक्शनल ग्रुप OH COH इस तरीके से होते हैं जो कि अभी नहीं है, इससे बाहर ये ना मतलब फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है, मतलब चेन वही बनती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो ना, वो तो डॉन होता है, वो बताइए वो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बनता है, भले ही वो कार्बन सिंगल भी आ रहा हो तो वही आपका मेन बनेगा नेता, उसमें फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ तो ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, फिर प्रायोरिटी किसकी है, मोर नंबर ऑफ कार्बन, भैया कार्बन किसमें जाता है, इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 1-2-3-4-5-6 कार्बन है,
छह कार्बन ज्यादा है, इसीलिए आपकी क्या बनेगी, दिस विल बी योर मेन चेन बनेगी। हालांकि चेन तो नहीं, अभी क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है आपका, क्लोज बन रहा है। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है इसमें, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर पड़े, तो हम नंबरिंग, अच्छा ये सब नंबरिंग कर सकते हो, ये सारे कार्बन की नंबरिंग आप इससे 1 2 3 4 5 कर सकते हो। तो आपने इसका नंबर कितना दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, 1 पे कैसा ग्रुप लगा है, मिथाइल, 1 पे क्या लगा है, 1 मिथाइल, और ये पूरा क्या है, साइकल है, साइक्लो, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, ये क्लियर हुआ, 1 मिथाइल साइक्लो, इसका नाम क्या होगा, किसी रूल के हिसाब से बताओ, क्या नाम बताया, प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, आपका रूल क्लियर हो गया, तो इसका नाम हो गया 1-propyl cyclobutane। तो कि मेन चेन कौन सी बनेगी, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन ज्यादा है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, एक पोजीशन पे क्या लगा है आपका, ये वाला ग्रुप प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट करके देता है ना, उसको जल्दी देंगे इसको आई में, तो 1-propyl साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन लग जाते हैं, और कितने पोजीशन पे है डबल बॉन्ड वो देखेंगे अभी हम उस टाइप से। तो ये रूल क्लियर हो गया कि रिंग और चेन में से आपको उसको सिलेक्ट करना होगा लॉन्गेस्ट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जो कि हमने क्वेश्चन लिया नहीं है, तो अभी कार्बन ज्यादा थे वाला वाला ले लिया, तो तीसरा कंपाउंड है साहब, तब तक बनाते रहेंगे, कितने बताऊंगा, आप भी कितने देखते हैं, कभी नहीं सीखा, ठीक है, पर अपना दायरा फिक्स रखते हैं। एक और रूल है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता तो चेन को ही सिलेक्ट करनी होती, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसका नंबर क्या होगा भाई, 1 2 3, अभी रुको, 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 3 कार्बन इसमें भी है, दोनों के बीच में मैच क्या हो गया, बराबरी का आ रहा है, ठीक है, ये भी जीत रहा है, ये भी जीत रहा है। अब मैंने बताया था ऐसे में आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, रिंग को प्रायोरिटी देनी, मतलब नेता कौन बनेगा, ये नेता बनेगा, इसको क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे लगा है, 1 पे लगा है, 1 पे पूरे 3 कार्बन इकट्ठे लगे, मतलब ये प्रोपाइल लगा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 पे लगा है कौन, प्रोपाइल और फिर साइक्लो प्रो, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है, चलो इसको नोट कर लो, कितना पड़ेगा नाम, अब आपको इसका पहले का नंबर करना है, ठीक है, क्या नेम है, बात ऐसी हो रही है कि 1 2 3, यहाँ पे 3 का एक चेन बन रहा है, और यहाँ पे भी 1 2 3 3 का आपका क्या बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है साइकिल, एक साइकिल बन रहा है, और एक क्या बन रहा है आपका चेन, 1 2 3 3 का चेन बन रहा है, और 1 2 3 3 का एक साइकिल भी बन रहा है। प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, साइकिल से, क्योंकि हमने बात की थी कि जब सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो हमें साइक्लो शब्द यूज करना है। तो रूट नेम आपका किससे डिसाइड होगा, रूट नेम हमेशा किससे डिसाइड होता है, मेन चेन से, तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी बन रही, साइकिल से, है ना, अपन ये जो डिसाइड करने की बात कर रहे हैं उससे क्या डिसाइड करते हैं, रूट नेम, मैंने आपको बताया था ना कैसे नेम लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स के बाद फिर रूट नेम लिखते हैं, रूट नेम के बाद फिर क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सापेक्ष लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर एक चेन बन रही है तो दूसरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, तो अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स तक बात चलेगी यहाँ पे, 1 डिग्री सफिक्स रूट नेम से ही आता है, मतलब जो चेन सेलेक्ट होती है उसी से ही आता है,
तो उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। इस तरीके से सिलेक्शन होता था। अब यहाँ पर कितने हैं, तीन है, तो आप नंबरिंग करोगे सबसे पहले तो इसको नंबर मिलेगा वन, इसको टू और इसको थ्री, इसके अलावा और कोई नंबर है क्या? मतलब ये तो बात तय हो गई कि रिंग को क्या मिलना है आपको, रिंग को आपको मेन चेन का पार्ट मानना है, तो नंबरिंग कैसी होगी? वन टू थ्री, क्योंकि वन का सब्स्टिट्यूएंट लगा है, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट वाला रोल आता है। मतलब अगर देखो तो आपको पता है कि जिस कार्बन से ये पेरेंट कार्बन से लगता था इसको हमेशा नंबर वन देना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स रूल पड़ा था वन डैश बोल दो इसको, तो इसको अगर वन डैश बोला हमने तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, टू डैश। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, वन पे एक क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, वन पे एक क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और आखिरी में क्या लिख देंगे, साइक्लो प्रो पेन। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब इसके अंदर वन डैश और ब्रैकेट आपको याद है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो वन लिखो, डैश लिखो और ब्रैकेट के बाद इसका नाम लिखो। बस इसका नाम अगर मैं आपको अलग से देता तो क्या लिखते हैं आप, अगर एक कार्बन देता ठीक है और यहाँ पर कार्बन देता और इसको बोलता है ये कार्बन है, इसको नंबर वन तो मिल ही गया, इसको नंबर टू मिल गया, और ये आपका कुछ चेन से जुड़ा है जिसको पेरेंट चेन कहा है, इसका नाम क्या हो गया, एक पे क्या लगा है, मिथाइल, एक पे क्या लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो एक पे क्या लगा है, मिथाइल, एक पे मिथाइल का नाम हो गया और अभी पूरी चेन का नाम ब्यूटाइल, मिथाइल और ब्यूटाइल और इथाइल, दो कार्बन है तो ई टी एच वाई एल मिथाइल। डायमिथाइल कब होता है, डायमिथाइल होता है जब आपका यहाँ पे लगा होता है एक ही कार्बन से, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, दूसरे का नाम बताओ क्या होगा, सोचो क्या नाम होगा, अब तुम मनगढ़ंत तो बना लोगे बेटा अपने हिसाब से, तो पढ़ लोगे, बट इसमें भी रूल है ठीक है। अब रूल क्या होगा इसमें, इसमें अल्फाबेटिकल रूल नहीं लगता है, रिंग में अल्फाबेटिकल रूल नंबरिंग करने के लिए नहीं लगाना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगाओ। सबसे पहला रूल कौन सा लगाओगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फेल हो जाता है तब जाके किस पे अटैक करो, अल्फाबेटिकल। मतलब नंबरिंग अगर मैं इस पे करूँ तो दो तरीके से, इसको मैं वापस से यहाँ पे बना दूँ, इसको वापस से यहाँ पे बना दूँ, एक सही नंबरिंग करूँगा और एक गलत करूँगा, मुझे भी नहीं पता कौन सही रहेगी और कौन गलत करेगी। मान लो मैंने इसको नंबर वन दिया, इसको टू दिया और इसको क्या दिया, अच्छा ये तो तय बात है कि तीन वाला कार्बन वाला मेन चेन बन गया, नेता तो ये बन गया, उधर वाले तो बेचारे इधर उधर के हैं, क्योंकि इधर की भी दो चेन इधर के दो अलग अलग है, तो ये तो कोई चेन बन नहीं सकते। एक बच्चा इसका नंबरिंग बोलता सर मेरी तो छह यहाँ से नंबरिंग एक, ठीक है फिर उसने इसको कितना दिया, दो, इसको कितना दिया, तीन दे दिया, और एक और बच्चा अनोखा वो इसको कर देगा एक दो और तीन, ठीक है ना, और वो तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, अगर उसको करोगे तो वो तो फेल ही होना है, मतलब वो रूल तो क्या होगा, फेल ही होगा, मैच तो इन दोनों में चलेगा ठीक। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा लो बस, कुछ नहीं करना है आपको। इसका कितना आया, एक एक दो, इसका कितना आया, एक एक दो और दो, सही बात समझ रहा है, कौन जीत रहा है, इसमें पहला सेम है परंतु इसमें पहला आ गया और इसमें क्या आ गया दूसरा, तो मतलब ये वाला जो है बेटर नंबरिंग है, इसको आप भूल जाओ, मतलब इसको हम हटा देते हैं ठीक है, इसको रब कर दे, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसीलिए मैंने आपको बता दिया और यहाँ लगा के भी बता रहा हूँ मैं ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा बेस्ट रूल होता है, बट इसको थोड़ा सा मतलब हर एक ने नहीं किया, ऐसे एंटी आईडी ने इसको इतना ज़्यादा फेसिस नहीं किया,
हालांकि लोएस्ट सम 99% सही बैठता है, जितने जोड़ोगे ना तो जोड़ के भी देख सकते हो, ये कम आता चार पाँच जोड़ोगे तो भी वही आएगा, 99% तो वही होता, पर कई बार एक आध बार फेल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पहले क्या आएगा, देखो अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं तो लिखा तो अल्फाबेटिकली जाता है, रोल नंबर भले कुछ भी हो, आपको मैंने पहले दिन बताया था रोल नंबर कुछ भी हो, बच्चे का रोल नंबर अगर 50 भी हो, बाकी लिखते क्या है उसका नाम पहले लिखते हैं, रोल नंबर हो सकता है आपको अलग बांटा गया जब आपने एडमिशन लिया हो उसके हिसाब से बढ़ गया हो, पर आपको नंबरिंग रोल आपका नाम कैसे लिखा जाता है रजिस्टर में, अल्फाबेटिकली। आप भले 100 नंबर पर एडमिशन लिया हो, भले यार तेरा नाम ए से शुरू होता है तो पहला है, पर तूने भले एडमिशन 100 नंबर पर लिया तो लिखा तो तेरा नाम पहला जाएगा, ठीक है। तो तेरा नाम पहले लिखेंगे तो कौन है, इथाइल, ठीक है। दो पे क्या लगाया आपका, इथाइल, तो हमें क्या लिखना चाहिए, टू पे क्या लिखना चाहिए, इथाइल, टू पे क्या, इथाइल, और वन पे दो बार वन कॉमा वन डाई मिथाइल, वन कॉमा वन डाई मिथाइल, और इसी के साथ में क्या आएगा, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन, क्या नाम क्लियर हो गया। चलो तीसरे नेम की तरफ जाए, ये सब कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, टर्मिनल कार्बन होते हैं ना ये, तो मतलब यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है, टर्मिनल कार्बन होते हैं ये, तो पर हर बार लिखा जाए ऐसा कोई जरूरी है नहीं, पहले आपको ऐसे दे देंगे बना के। चलो अब इसमें नंबरिंग करोगे तो मेन चेन कौन सी बन रही दिख रही है आपको, चेन ज़्यादा बड़ी दिख रही है, उसमें चार कार्बन आ रहे, देखो 1 2 3 4, और इसमें कितने आ रहे, 1 2 3, इस बार नेता कौन बनेगा, ये चेन बनेगी नेता, ठीक है। एक लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी ना आपको, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो क्या लोगे, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएंगे, सही। अगर आप यहाँ से चेन लोगे तो क्या आएगा, चेन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन देखनी है ना आपको, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रही, 3 की बन रही है, उधर भी कितने की बन रही है, 3 की बन रही है, ठीक है। कौन सी वाली, जो ट्रायंगल से, नहीं ये वाला कार्बन क्यों जोड़ोगे, ये कार्बन तो बीच का है ना, ना घर का ना घाट का, ये घर का ना घाट का क्यों लोगे इसको, ये कार्बन इसमें भी आ रहा है, ये कार्बन, ये तो ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, हमें तो चेन कैसी लेनी है, इसी लॉन्गेस्ट चेन, अब इधर कितने 1 2 3 कार्बन आ रहे, और इधर भी कितने की, ये भी कितने की बन रही है, 1 2 3 की बन रही है, दोनों में मैच टाई हो रहा है, मैच टाई हो रहा है तो रिंग विजेता होगी, ठीक है ना, रिंग विजेता होगी, हाँ वो एक स्किप हो गया था ना, मतलब इधर से CH3 को अपन ने, अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग को सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, रिंग को क्या माना जाएगा, रिंग को मेन चेन, मेन चेन मारेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, ठीक हो जाएगी, पेरेंट चेन, और ये हमारा क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या लिखा जाएगा, नाम क्या लिखा जाएगा, अब एक पे नंबरिंग कर दो इसको, 1 2 और 3, मतलब एक पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो एक पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और बाकी ये पिताजी का नाम, पेरेंट चेन क्या आंसर आएगा, साइक्लो प्रोपेन, आ रही बात समझ में, क्या आएगा, साइक्लो प्रोपेन, यहाँ लिख देंगे अभी, नाम की रखो,
साइक्लोन डॉल्फिन, ठीक है। अब इसका नाम आप बता दो, इसका नाम तो आसान है भैया, इसको रफ में ड्रॉ करो, रफ में ड्रॉ करोगे तो कार्बन 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 और एक कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन अगर आपकी ये बन रही है, ठीक है, ये बन रही है लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, हमेशा इसको क्या नंबर देते हो, जो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है वो पहला बेटा होता है, पेरेंट चेन से जुड़ने वाला पहला बेटा होता है, ये मेरा पहला पुत्र, इसने जन्म पहले लिया, पहला नंबर इसी को दूंगा मैं, इसके बाद ये दूसरा नंबर इसको दे दो, दूसरा नंबर इसको दे दो, या फिर नीचे वाले को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात हो जाएगी, मतलब एक पर यहाँ पर दो कार्बन दिख रहे हैं, एक पर यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो कार्बन दिख रहे हैं, हाँ पेरेंट चेन का भी नाम आएगा ना पहले, ये सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम लिखो, अगले चेनों का आसपास वाले बच्चों का तो नाम लिखो, अरे अब कार्बन हो गया किस टाइप पे, बस पेरेंट चेन में भले सी लंबी बनी है बेटा, बाकी हम रूल में ऐसे फंस गए हैं कि ये आपको आईयूपीएससी वाले पहले रूल से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये वाला रूल क्यों, क्योंकि ये हिस्सा जुड़ा है पेरेंट चेन से, यहाँ से कौन सी चेन कनेक्टेड है, पेरेंट चेन, जो कि हमारा साइक्लो वाला था, और इससे अब इसको एक नंबर देना जरूरी है, और मैंने ये भी बताया था अगर इसको एक दे दिया तो यार उसको दो दो पलट के घूम फिर के तीन चार, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो हम फंस गए अब यहाँ पे, फंस गए मतलब एक के बाद इसको या तो दो देंगे, या इसको एक दोगे तो इसको दो दोगे, या इसको एक दोगे तो इसको दो दोगे, सारे एक जैसे ही हो तो, सारे एक जैसे ही है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पे अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, फिर अब वन कॉमा वन डाई मिथाइल, एक मिथाइल और एक मिथाइल, इसका नाम होगा वन कॉमा वन डाई मिथाइल और इथाइल, ठीक है, ठीक, और साइक्लोप्रोपेन तो दिखाई गया, ठीक है, चलो चौथे का नेम लेने की कोशिश करो आप, वन कॉमा वन ये डैश लगेगा यहाँ पे, इसका नाम देखोगे तो आपको दिख रहा है कि रिंग ज्यादा बन रही है, क्योंकि तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो एक दो तीन चार की, इसकी बन रही है चार, चार इस कार्बन को मत गिनना, क्योंकि ये कार्बन रिंग में फंसा हुआ है, ठीक है, इधर कितने के आ रहे हैं, एक दो तीन चार, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही थी, उसके बाद समझ में आ रही है, तो अब तो आसानी से नाम लिख लोगे इसका, कार्बन किसमें जा रहा है, इसमें इसको नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, मतलब सिक्स मतलब क्या हो गया, ये साइक्लो हेक्सेन, सिक्स मतलब क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन हो गया, साइक्लो हेक्सेन तो हो गया, ये तो क्या है रूट नेम, मतलब ये तो पेरेंट चेन से आके साइक्लो हेक्सेन, तो मैं साइक्लो हेक्सेन तो लिखूंगा लास्ट में, पर वन पे सब्स्टिट्यूएंट भी है मुझे, वन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो हेक्सेन लिखूंगा, और वन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम लिख लें आप, उसको रफ में ड्रॉ कर लो, रफ में ड्रॉ कर लो, तो रफ में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो सीख रहे हो तुम, एक दो तीन चार और ये पांच, ओके सर, सॉरी बोला था ना कि वो सर इसको नंबर नहीं करना, जो कार्बन जुड़ा है इसको, जो कार्बन जुड़ा है इसको नंबर वन देना, मतलब कार्बन से इस कार्बन से कौन जुड़ा है पहला, एक दो तीन और सर इसको तो वन डैश ले लेंगे ना, हाँ डैश लेना कंपलसरी नहीं है, डैश लेना है तो ले लो, उसको तो वन करा हुआ है पहले, तो ये डैश लेना है ले लो, बाकी सब उसमें नहीं दिया आपको, एनसीईआरटी ने तो सीधे
नंबर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ही ले लिया ठीक है। बट जैसे कंफ्यूजन के उसने जैसे वहां पे मन लिया था अभी अपन ने, हां तो फिर यहां सबको टेस्ट लो, फिर सब पे टेस्ट लगाओ, पर ऐसा कोई भूल नहीं लगाना तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि भूल जाते हैं कभी लगाना, वो तो बच्चों के लिए बताया है ऐसा, तुम भूल जाते हो तो ऐसा ठीक है। क्या नाम होगा? टू मिथाइल ब्यूटाइल, एक बार में नाम आ गया। टू पे क्या लगा है सीएसटी, टू डैश मिथाइल और ब्यूटाइल ठीक है। फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ वाला जब तुम देखोगे तो यहाँ पर तीन चीजों में लड़ेंगे, एक दो तीन है ना, मतलब यहाँ पर एक सिंगल कार्बन है, यहाँ पर छह कार्बन है और यहाँ पर तीन कार्बन है, विजेता कौन होगा? छह कार्बन वाला। अगर छह कार्बन वाला विजेता होगा तो इसको नंबरिंग करोगे यहाँ से वन, नंबरिंग कहाँ से चालू होगी? वन से करोगे तो इसको भी क्या नंबर मिलेगा? मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका मतलब वन पर कुछ लगा है, कुछ लगा है को मैं वन पर कुछ लगा है इसको छोड़ देता हूँ अभी, और बाकी का नाम क्या लिख दूँ? एक दो तीन चार पाँच छः, तो साइक्लो और क्या लिख दिया? हेक्सेन। अब इस पर कुछ लगा है, इसको रफ में लिख लिया सी एच टू और इसको अलग से ऐसा नंबर डाल दिया। ये बात तो तय है कि इस पे ये नंबर क्या है? वन है ठीक है। अब वन पे क्या लगा है? वन पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, अब इन दोनों में से जो है किसका नाम लिखोगे आप? वन पे क्या लगा है? साइक्लो ग्रुप लगा है। वन पे क्या लगा है? साइक्लो ग्रुप लगा है। और साइक्लो क्या है? साइक्लो कौन सा होता है? साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल वन साइक्लो प्रोपाइल, वन साइक्लो प्रोपाइल। और किस कार्बन का नाम फिर आखिर में? ये कार्बन है मिथाइल भाई, दोनों के नाम लिखोगे ना तो वन पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट। चेन कौन से सिलेक्ट हुई? ये हुई। चेन कौन से सिलेक्ट हुई? यही हुई, एक कार्बन वाली, मतलब इसका सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। अभी इसको वैसा मत देखना कि तीन कार्बन है इसमें तो ये माना जाएगा, क्योंकि नंबर वन किसको मिला है? इसको मिला है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेम हो जाते हैं ना इतने लेवल के, तो कोई पूछता नहीं है, बट एक नाम लिखा था तो मैंने लिख लिया ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? वन पे क्या लगा है? साइक्लो प्रोपाइल। वन पे क्या लगा है? हाँ, वन साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? वन साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल। ये तो वन साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है ना ठीक है, प्रोपाइल मिथाइल एक कार्बन है इसमें मिथाइल बोल देंगे, आपको बोलना सही है। और साइक्लो हेक्सेन, चलो क्लियर है, बाकी सब रफ कर दे। अब यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विजेता विनर साइक्लोहेक्सेन, अनिता बनेगा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट से इस बार, अच्छा ये चीज मैं पहली बार दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लोरो ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप पहली बार दिखा रहा हूँ। तो अभी ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आईयूपीएसी इनको बाहर कर चुका है फंक्शनल ग्रुप से ठीक है, बोले कि तुम फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। बाकी दूसरे जो साइंटिस्ट हैं इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ताज्जुब देते हैं, ऐसे होता है ना, बोले कि ठीक है तुम्हारे समाज में कोई स्थान नहीं है परंतु फिर भी तुमको हम दायरा दे देते हैं। तो कुछ पांच फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ चार पांच फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जब अपन बात करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप बाहर कर दिए, बाहर कर दिए इन द सेंस कि उसको अपन प्रीफिक्स की तरह लेते हैं, मतलब उनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिनते हैं।
आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप हमेशा आखिरी में आता है सरनेम बन के, कुछ चार पांच ऐसे इसके साथ, जैसे नाइट्रो हो गया है ना, जैसे कौन डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एनो टू ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। एक्स में क्या आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइक्लोहेक्सेन, ये चार ऐसे बेचारे फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हालांकि ये तो सैचुरेटेड कार्बन का पार्ट होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड का, इसको तो ठीक है चलता है, परंतु फिर भी अपन इसको जब ट्रीट करेंगे, ठीक है, आईयूपीएसी बोलती है कि इन सबको आप फंक्शनल ग्रुप मत लो। अच्छा, NO2 के लिए और इसके लिए, एक्स के लिए तो अपन क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, F के लिए फ्लोरो, CH के लिए क्लोरो, BR के लिए ब्रोमो और I के लिए कैसे अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम किए जाएंगे बेचारे, ठीक है, नौकर बनना पड़ेगा बेचारों फंक्शनल ग्रुप होते सोते इनकी नहीं चली। अब देखो तो छः कार्बन है, छः कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, एक पे क्या लगा है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये नंबरिंग करूंगा एक, इसको भी क्या मिलेगा एक नंबर, क्योंकि जो आपका कनेक्टेड बेटा होता है वो पहले नंबर का बेटा होता है, कार्बन का पहला पुत्र है। अब इस कार्बन के कितने और पुत्र हैं, तीन, मतलब देखा जाए तो इस पे तीन अब क्या लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होगा अगर आप बनाओगे तो, इसका पूरा नाम क्या होगा, पहले तो क्या आएगा, वन डैश ब्रैकेट में, हाँ पूरा नाम ही लिख देते हैं, वन डैश ब्रैकेट में वन डैश वन डैश वन, फिर ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और फिर अच्छा ये ट्राई क्लोरो तो खत्म हो गया, ट्राई क्लोरो के बाद क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, अरे बेटा ट्राई क्लोरो तो इसका नाम हुआ तीनों का, इसका नाम क्यों छोड़ दिया, ट्राइक्लोरो मिथाइल, ट्राइक्लोरो मिथाइल और फिर साइक्लो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, आ गया, अपन ने इसको दरबार क्यों कर दिया, ये भी तो नाम लिखना है, इसी से तो जन्म हुआ बेचारा किंग का, क्लोरीन का कोई छोड़ दिया तुमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा है अगला वाला, सातवां आसान है, अब तो तुम बता दोगे, नंबरिंग या तो एक दो या फिर एक दो, हम यहाँ लौड़े फंसेंगे, अच्छा सर ये ब्रोमीन एक्चुअली इसमें क्या किया, क्लोरीन कर दो, इसको क्या कर दो, क्लोरीन क्लोरीन कर दो, इसको क्या कर दो, अब ये दोनों ब्रोमीन ग्रुप होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी मैंने क्या किया इसको क्लोरीन किया, हाँ अब यहाँ झगड़े हो गए ना कि वन इसको दो कि टू इसको दो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो क्या आता है पहले आता है बेचारे, अब ये तो ब्रोमीन क्लोरीन को तो घर बाहर कर दिया है, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करना पड़ेगा, यहाँ से ये बात तो तय हो गई कि हेक्सेन हो गया, मतलब साइक्लोहेक्सेन तो आ गया, ठीक है, इसका आंसर तो क्या आ गया, सी वाई सी LO साइक्लो हेक्सेन वाला परिसर आ गया। अब साइक्लो हेक्सेन पे अब यहाँ पे इसको वन मानूं कि यहाँ पे इसको वन मानूं, अगर इसको वन मानूंगा तो ये क्या होगा, और अगर इसको वन मानूंगा तो इसको क्या मानूंगा, तो मानने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसी लड़ाई हो रही है तो फिर क्लोरीन और ब्रोमीन में से पहले कौन आता है, ब्रोमीन, जो पहले आता है उसको भी नंबर पहले दे दो आप, आखिरी में जब देखो देखो लोएस्ट सम रूल भी हार गया यहाँ से, वन टू उधर से करोगे तो इसके बीच में टाइम, इसके बीच में टाइम हार गया, दो और एक तीन जोड़ने पे भी सम सेम आ रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हार गया, लोएस्ट सम भी हार गया, अब किसने आएगा, अल्फाबेटिकल रूल होता है हम, है ना, आपको नंबरिंग सिखाते हैं, ब्रोमीन को पहला नंबर दे दो, क्लोरीन को कैसा दे दो दूसरा, तो ब्रोमीन को पहला और क्लोरीन को क्या दिया दूसरा, तो पहले पे क्या लगा, अब तो अल्फाबेटिकली भी चल रहा है और चेन के हिसाब से भी उसी का नेम भी पहले आ रहा है, तो वन पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे नाम बताओ आप, वन ब्रैकेट में वन ब्रैकेट में क्या नाम लिखोगे,
क्या नंबर है आप यहाँ पे 1 2 4 पर ठोक देना।
छोटा नंबर मिलेगा तो बड़ा नंबर मिलेगा।